ये क्या पंकज वर्मा का घर है? हाँ कहो, पंकज मेरा ही बेटा है। ओ। रहने दे रहने दे, अरे रहने दे। तुम? जी मैं इलाहाबाद से आया हूँ। इलाहाबाद? ओ हाँ इलाहाबाद, तो यही कहो ना, बहू, ओ बहू, अनीता, अरे जा, जरा बहू को तो ऊपर से बुला ला, आओ बेटे, भीतर आओ। अरे तुम्हारा सामान? जी लाया नहीं, स्टेशन में छोड़ा आया हूँ। सो क्यों? आज ही चला जाऊंगा रात की ट्रेन से। आज ही रात की? जी हाँ। है ना, क्यों? वहाँ सब राजी खुशी तो है ना? जी हाँ वहाँ सब ठीक ठाक है, अभी परसों सुबह ही तो चाची से मिला था। ओ तो तुम बहू के यहाँ? जी हाँ। आओ बेटा बैठो। भाभी आ रही है? अच्छा बहू आ रही है। अब देखो ना मेरा बेटा पंकज। हाँ वो पंकज है ना, रात को सवेरे ही ऑफिस चला जाता है और शाम को बड़ी देर में लौटता है। अच्छा अच्छा। 7 बजे के पहले तो कभी लौटता ही नहीं। ओ तुम्हारी ट्रेन तो रात को देर से है ना बेटे, आज ही जाओगे? जी हाँ रात यानी शाम को, उनसे मिलना तो नहीं हो पाएगा। ओ हाँ ये तो बड़ी बुरी बात है, इतनी दूर आए भी। और अच्छा तुम अभी चाय पियो, बाद में सब बात करेंगे। नहीं नहीं मैं अभी रास्ते में पी है। चाय तो पीनी ही पड़ेगी, चाय कैसे नहीं पियोगे? अच्छा ठीक है, तो सिर्फ एक कप चाय और कुछ? हाँ हाँ सिर्फ चाय। ओहो आरती, अरे ओ आरती, आज तुम्हारी शादी का दिन है ना? 14th August 1983, पूरे 3 साल हुए। बहू, बहू आ गई, देखा क्या कह रहा है तुम्हारा भाई, अभी अभी आया है और अभी अभी जाने को कह रहा है, ऐसे जैसे घोड़े पर सवार आया। देखिए ना मौसी जी, आपकी बहू कैसे घबरा गई है। क्यों क्या हुआ? सोच रही है मैं कोई बुरी खबर लेकर आया हूँ। क्यों ठीक है ना? अरे लो अचानक इस तरह झटपट कोई आ जाए तो क्या डर नहीं लगेगा? लेकिन बेटा तुम तो कह रहे थे कि वहां सब ठीक ठाक है। हाँ हाँ का? मेरी बहू ऐसी ही है, बहुत सोचती है। बेटा तुम दोपहर का खाना खाकर जाना। नहीं मौसी जी नहीं। रिश्तेदारी में आए हो, खाओगे नहीं? ऐसा होता है भला? यकीन कीजिए हो सकता तो मैं जरूर खा लेता, आपको मालूम नहीं मुझे सब पेटू के नाम से जानते हैं। पूछिए क्यों। हाँ बिल्कुल याद है उस बार दावत के दिन बाजी लगाकर कितने रसगुल्ले खाए थे? इसकी शादी के दिन खाए होंगे? नहीं तब मैं इलाहाबाद में नहीं था। खाना पसंद करते हो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो कहती हैं अच्छा है, पर इसको लेकर
ये लोग हमें इतना चिढ़ाते थे और आज तुम खाने से इनकार कर रहे हो। जी नहीं मौसी जी, आज नहीं। जब तुम इतना कहते हो तो ठीक है बहू बेटे, तुम लोग ऊपर जाकर गपशप करो, ऊपर ही ठीक रहेगा। मैं चाय भिजवा देती हूँ। माँ यहीं बैठ जाते, यहीं ठीक है। नहीं बेटे, ऊपर ही ठीक रहेगा। ऊपर इनका हिस्सा है इन दोनों का, और ऊपर इनका ही राज है। आरती आरती ओ आरती, दिनों से घर में कानाफूसी हो रही है। मैं सब समझ रही हूं, किसी दूसरे के हाथों मुझे सौंपने का प्रयत्न कर रहे हैं ये लोग। मेरी तुम्हारी बात यहां घर में कोई नहीं जानता ऐसा तो नहीं, और फिर भी मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। मुझे बचा लो सुनील, बचा लो मुझे। जो भी करना है जल्दी करो प्लीज सुनील, बचा लो। ये सब फजूल पढ़ने की क्या जरूरत है, और यहां इस वक्त इतने दिनों बाद तुम्हारी चिट्ठी, तुम्हारी लिखावट। शादी के सिर्फ 3 महीने पहले 14th April 1983 रात 1:40। मुझे आश्चर्य होता है तुम दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हो। तुम्हारी चिट्ठियों में डेट होता था, टाइम होता था, सिर्फ एक छोड़कर, तुम्हारी आखिरी चिट्ठी। इसमें कुछ नहीं था, न डेट न टाइम। ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? ये सब क्या है? नहीं पहचानी तुम्हारी चिट्ठियां? तुम मुझे बर्बाद करने आए हो अब इतने दिनों के बाद? कितने दिन बताओ ना, सिर्फ 3 साल। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? अचानक? अचानक मत कहो, अचानक कुछ नहीं हुआ। कहो तो अचानक क्यों आया? लेकिन तुम जानते हो? हाँ जानता हूं, इसीलिए इतने दिन नहीं आया। तो अब क्यों? लगा कि अब आना ठीक है, सही है। सही है? हाँ। क्या जानबूझकर? जानता हूं अब तुम्हारा सुख का संसार है, जैसे तुम्हारी सास ने बताया, ये सब तुम्हारा क्या बताया? छोड़ो इसे, वो खत मुझे दे दो। और अगर न दूं तो? नहीं दोगे? उन्हें रख के क्या करोगे? क्या करूंगा, ये तो नहीं कहोगे कि उन्हें जला दो अपने हाथ से? सुनील प्लीज जस्ट गिव देम टू मी। क्या करोगी, रख दोगी संभाल कर? हैरत होती है तुम, ये क्या है, ये कोई मजाक है? ये कोई मजाक करने की बात है? मजाक नहीं, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। क्या मतलब? मतलब अच्छा, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम दोनों के सिवाय भी और कोई है जो, मतलब जिसके पास ऐसे सबूत हो? ये सब ऐसा तो बहुतों के साथ होता है, हो
होता है ना? नहीं होता क्या? बोलो क्या? जैसा मेरे साथ घटा है, हमारे हम दोनों के साथ, यानी जो चाहिए वो नहीं मिलता। तो तुमने चाहा था, क्या चाहा था बोलो, चुप क्यों हो, जवाब दो, हिम्मत नहीं है ना? तुम यहां किस लिए आए हो? तुम जाते क्या हो? मैंने कुछ नहीं चाहा, तुमने चाहा था, तुमने मरना चाहा था। ये तुम्हारी आखिरी चिट्ठी है, जीना मत। इसमें कुछ नहीं था, न तारीख न समय, यानी उस वक्त तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, शादी के सिर्फ एक महीने पहले। मुझसे और सहा नहीं जा रहा, तुम बताओ अब मैं क्या करूं। उस वक्त मैं बता नहीं पाया, मैं हार गई, मेरा सब कुछ टूटकर बिखर गया, कुछ सोच नहीं पा रही, आत्महत्या ही मेरा आखिरी रास्ता है। ये झूठ है, झूठ है। मां मुझे बुलाए, क्या हुआ है? कुछ नहीं। सुनो, मेरी एक बात सुनोगे? बोलो। तुम पहले जरा बैठ जाओ, आराम से शांत होकर सुनो। मैं शांत हूं, तुम अपने को संभालो। हम दोनों ने कभी बहुत कुछ सोचा था, है ना? बहुत से प्लान्स बनाए थे। हाँ, बहुत सपने देखे थे। हाँ, तुम ये तो नहीं चाहते ना कि अब मुझे किसी तरह की कोई परेशानी हो? नहीं ना? तो क्या? मुझे समझ में नहीं आता, ये सीधी सी बात है, तुम क्यों इसे? तब 3 साल पहले ये चिट्ठी जब मुझे मिली, समझना नहीं चाहा, साहस नहीं हुआ। अब है, अब साहस है। साहस किस बात का? तब तुमने आत्महत्या करनी चाहिए थी, शायद कर भी लेती, ऐसी हालत में बहुत सारे लोग कर लेते हैं, पर मैं डर गया था, मेरा साहस नहीं था। आज मेरा वो डर नहीं है, आज तुम्हारी शादी के दिन आओ हम दोनों। ये क्या? ये जहर। जहर? हाँ। क्यों? आज मैं तैयार हूं, तुम तो तभी से तैयार हो। तैयार हो मतलब किस लिए? तुम कहीं तुम्हारा नहीं, तुम जो सोच रही हो वो ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, ठीक हूं। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। मेरा पल्स बीट देखो, एब्सोल्युटली नॉर्मल। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या ये सब कुछ? कहा ना, मैं डर गया था, डरा हुआ था। अगर मैं कहूं कि मुझे डर लग रहा है। डर? हाँ। कैसा डर? सब कुछ खोने का? हाँ नहीं। सुनो, तुम दिमाग शांत करो, बैठो।
मुझे नहीं बैठना है। बैठो। नहीं। धीरे धीरे तुम्हारी सांस सुन लेगी तो। सुनने दो ना, मैं चिल्लाऊंगी। हाँ मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओगी? हाँ हाँ चिल्लाऊंगी। Don't you dare look at me like that. मैंने कहा ना मुझे इस तरह मत देखो। किस तरह? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम सोचते हो सिर्फ तुम ही सच्चे हो और मैं मेरी सब बातें झूठी थी। मतलब? हमारी वो सभी बातें वो झूठी थी क्या? बोलो तुम्हें झूठी लगती है वो? झूठी होती तो मैं इस तरह यहां आता? 3 साल बाद तो फिर ये सब उल्टी सीधी बातें क्यों अब मुझसे पूछ रहे हो? उल्टे सीधे तो और क्या, हर बात कुरेद कुरेद कर पूछना चाह रहे हो क्या? क्या तुमको मालूम नहीं क्या? तुमसे सुनना चाहता हूं, तुमसे, तुम्हारे मुंह से। क्या क्या सुनना चाहते हो मुझसे बताओ? क्या सुनना है तुम्हें मुझसे बोलो? चिट्ठियां मेरे पास थीं, अब शायद रखना उचित नहीं। रखने पर जो मेरे जीवन में आएगी उसका अपमान होगा, अपने हाथों इन्हें जला डालना भी मुमकिन नहीं। किसी दिन समझोगी क्यों नहीं, इसीलिए तुम्हें वापस कर रहा हूं। तुम लोग सुखी रहो। शीशी में जो है वो अगर खाना चाहो तो खा सकती हो, निष्पाप चीज है, चीनी के ढेले, पिसी हुई चीनी।